See if it works. Oh, yes, it goes in beautifully. Beautifully. Somebody else can finish it off. Do the rest of it. Well done. अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में होगा कि बरतानिया की मलका एलिजाबेथ दोयम कल यानी 8 सितंबर 2022 को वफात पा गई थी। इस वीडियो में हम आपको मलका के बारे में कुछ ऐसी मालूमात देंगे कि उनकी वफात के बाद आगे क्या कुछ होगा। नाज़रीन, मलका एलिजाबेथ दोयम 21 अप्रैल 1926 को पैदा हुई और उनकी वफ़ात का दिन 8 सितंबर 2022। इस तरह उन्होंने 96 साल की उम्र पाई और बरतानिया में सबसे ज़्यादा अरसे तक मलका रहने का एहसास भी अभी उन्हीं के पास है। मलका एलिजाबेथ 6 फरवरी 1952 में मलका बनी जब इनकी उम्र सिर्फ 25 साल थी। इस दौरान बहुत सारे बरतानिया के वज़ीर आज़म इनके दौर में आए और चले गए। मलका एलिजाबेथ ने जो इनकी ड्यूरेशन थी वो 70 साल और 214 दिन अपनी खिदमत अंजाम दी क्वीन की हैसियत से। नाज़रीन, मलका एलिजाबेथ दोयम की जब वफ़ात हुई तो उस वक़्त ये स्कॉटलैंड के पैलेस में मौजूद थी। हम सब जानते हैं कि हम सब ने मर जाना है दुनिया में, चाहे वो गरीब हो, वो अमीर हो, मस्कीन हो, यतीम हो, मोहताज हो, कोई भी हो, आज तक ज़मीन पे कोई नहीं रहा, सब ज़मीन के अंदर चले गए। अब मलका के मरने के बाद बरतानिया में क्या होगा, ये सब कुछ पहले से तयशुदा है और उन्होंने इसको एक ख़ास प्रोग्राम के तहत ऑलरेडी सबको बताया हुआ है और इस प्रोग्राम का नाम रखा हुआ है ऑपरेशन लंदन ब्रिज। नाज़रीन, जैसे ही मलका एलिजाबेथ की इंतकाल की खबरें आएंगी तो सबसे पहले जो मलका के पर्सनल सेक्रेटरी होंगे वो यूके के वज़ीर आज़म को एक मैसेज देंगे और उस मैसेज में ये कहा जाएगा कि लंदन ब्रिज इज़ डाउन। इस तरह जो यूके का वज़ीर आज़म है वो समझ जाएगा कि मलका वफात पा चुकी हैं और इस तरह बहुत सारे दूसरे जो ममालिक हैं जिनकी वो अभी भी हेड हैं उन सब को ये पैगाम पहुंचा दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो भी रेडियो स्टेशंस होंगे, जो भी टीवी स्टेशंस हैं, उन पर लाइट फ्लैश करेगी। इसका मतलब ये होगा कि बरतानिया में कोई बुरी खबर आने वाली है और टीवी वगैरह पे अगर कोई प्रोग्राम चल रहा होगा तो उसको बंद कर दिया जाएगा और सिर्फ मलका की मौत की खबर नशर की जाएगी। नाज़रीन, मलका की वफ़ात के बाद उसका जो बड़ा बेटा है चार्ल्स, वो यूके का वज़ीर आज़म बन, यूके का सॉरी बादशाह बन जाएगा, वो वहाँ का किंग बन जाएगा और दूसरे दिन ही अपने लोगों के साथ ख़ताब करेगा। इस तरह यूके की पार्लियामेंट में भी सिर्फ मलका की मौत की खबर के बारे में ही बात की जाएगी और ताज़ियत की जाएगी। इसके साथ साथ कुछ ऐसी ख़बरें भी मिल रही हैं कि जैसे ही बरतानिया में जो नया बादशाह बन जाएगा उसके साथ साथ बरतानिया की जो भी करेंसी नोट हैं वो सब के सब छापे जाएंगे, जिन पे सिर्फ नए वज़ीर जो नया बादशाह होगा उसकी तस्वीर होगी और मलका की तस्वीर को वहाँ से हटा दिया जाएगा। इसके अलावा साथ साथ जो भी पासपोर्ट के ऊपर जो स्टिकर है उसमें से भी उसकी तस्वीर हटा दी जाएगी और पुलिस का जो एक बैज है वो सब रिप्लेस कर दिया जाएगा किंग के नाम से। और इस तरह ये सारा सिस्टम 10-12 दिन तक जारी रहेगा। 10-12 दिन के बाद इसकी मलका की तदफीन कर दी जाएगी और उससे पहले तमाम लोगों को वहाँ से मिलने दिया जाएगा, उनके आखिरी दीदार के लिए तमाम लोगों को वहाँ पे आने की इजाज़त होगी। नाज़रीन, हम कब तक, कितनी देर तक ज़िंदा रहेंगे, कभी हमने सोचा? चाहे कोई बादशाह हो, चाहे फ़कीर,
चाहे कितनी भी शान और शौकत जाहो जलाल हो, लेकिन वो तमाम की तमाम सब शान और शौकत सिर्फ कब्र तक ही जाती है, लेकिन कब्र के अंदर नहीं जा सकती। हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि मरने से पहले वो हमसे राज़ी हो जाए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और तमाम देखने और सुनने वालों की परेशानियाँ और मसाइल ख़त्म करे। अल्लाह ताला आप सब का हामी नासर अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।